बैक टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ हाल कैसा है जनाब का। होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और हम तो एकदम बढ़िया है क्योंकि आज के दिन की नई शुरुआत हो चुकी है। लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को एक सरप्राइज दिया था और मैं चाह रही हूँ कि मैं वही सरप्राइज मेरे और लोगों को भी दूँ और लोगों से ही बातें करूँ और उनसे पूछूँ हाल कैसा है जनाब का। एक बहुत ही हैंडसम सर मिले हैं तो मैं सोच रही हूँ इनसे बात करूँ, इनके बारे में इनसे पूछूँ इनका हाल। हेलो सर। हेलो, हाल कैसा है जनाब का? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ओके। हम इस बारे में और पूछेंगे, उससे पहले मैं सर से पूछूंगी सर का नाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयूर आचारी। ओके, आप क्या करते हैं सर? मैं MBA स्टूडेंट हूँ फिलहाल और पार्ट टाइम कंसल्टिंग भी है मेरा बिजनेस। ओके, तो जैसे मैंने सर से पूछा हाल कैसा जनाब का, सर ने बोला एकदम बढ़िया, तो ये बढ़िया हाल का राज क्या है सर? वैसे तो बहुत कुछ है बट आपको इन जनरल बताओ तो फिर एग्जाम्स खत्म हो गए मेरे और अभी ट्रिप का प्लानिंग कर रहा हूँ तो इसीलिए। ग्रेट, मतलब अभी सर की वैकेशन है और सर तो जा रहे हैं घूमने, इसका मतलब हम लोग एकदम सही सर से बात कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली हमारे पास एक सरप्राइज है सर, जिसमें मैं आपको कुछ बताने वाली थोड़े टाइम में, उस पर हम बाद में आएंगे। उससे पहले हम आपकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। लाइफ क्या मतलब, हम एक चिट चैट कर रहे हैं तो क्यों थोड़ी और बातें की जाए। तो अभी ये जो मोमेंट आने वाला है वो तो हैप्पी मोमेंट है ही आपकी लाइफ का, तो क्यों ना आपकी लाइफ का पास्ट में या फिर अभी दो तीन दिन पहले हुआ कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते पूरी लाइफ का। सो रिसेंटली मैं थाईलैंड गया था, तो वहाँ पे बैंकॉक भी गया था मैं, तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया मैंने, शॉपिंग वगैरह, घूमना, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना, उनके साथ जो टाइम स्पेंड करना, वो बहुत एक्सपीरियंशियल मोमेंट था। सो सर लाइक स्टडीज, पढ़ाई लिखाई, घूमना कमाना एंड देन उसके बाद छुट्टियों में सिर्फ घूमना, ऐसा है शायद? लाइक सर तो बोले लाइक इनटू ट्रैवलिंग है। यस यस, फुल ट्रैवलर। ग्रेट, और आपकी लुक देख के भी लग रहा है, मुझे लगा था कि शायद सर को अगर लेट हो रहा हो या कुछ, बट फिर भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, सर से पूछ ही लेते हैं हाल कैसा है जनाब का। सो एक हैप्पी मोमेंट तो पूछा ही सर, क्यों ना आप एक सैड मोमेंट भी बताओ। सैड मोमेंट ज्यादा ऐसा सोचता नहीं बट सोचना पड़ेगा। सैड मोमेंट ये, हाँ रिसेंटली ऑफकोर्स एग्जाम्स चल रहा था तो वो एक स्ट्रेसफुल फेज था, उसके पहले मैं एक जॉब कर रहा था तो वो भी एक स्ट्रेसफुल फेज था, तो काइंड ऑफ थोड़ा सैड मोमेंट। बट अभी जो मोमेंट आया है लाइफ में वो सबसे बेस्ट है और जो भी आने वाले हैं, जो भी आप क्रिएट करने वाले हो, रिक्रिएट नहीं, आप जो क्रिएट करने वाले हो उसके लिए आपको अभी से ऑल द बेस्ट एंड वेरी हैप्पी जर्नी एंड हैप्पी वैकेशन। बट उससे पहले ना मैं आपको एक वर्ड का मतलब आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए वो वर्ड क्या मीन करता है, रिलेशनशिप आपके लिए क्या मीन करता है? रिलेशनशिप मीन्स वन वर्ड में कि एक सेंटेंस में कैसे? योर विश, आपको जो लगता है रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप मीन्स आई मीन सपोर्ट, लव एंड या दैट्स अबाउट इट। ग्रेट ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा लगा सर के साथ बात करके, सर ने काफी कुछ बताया है। और अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि आपके लिए एक सरप्राइज है, आपको कुछ बताना है, उससे पहले उस सरप्राइज को बताने से पहले मुझे ना एक सवाल है आपसे कि आजकल आप क्या देख रहे हो, मतलब टीवी फिर सीरीज या मूवीज, क्या देख रहे हो आप आजकल, कुछ देख रहे हो? मैं पॉडकास्ट ज्यादा सुनता हूँ, मेरा खुद का पॉडकास्ट भी है 365 डेज, आप स्पॉटिफाई पे जाओगे तो मिल जाएगा आपको। तो मैं पॉडकास्ट ज्यादा सुनता हूँ और ऑफकोर्स वीडियो और न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ता हूँ, तो ये मीडियम्स है कंटेंट कंजम्पशन के मेरे। तो अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार जरूर उस चीज को देखना और आपको एक्चुअली कुछ अलग देखने मिलेगा, कुछ अलग जानने मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको पीछे, हमारे पीछे एक बैनर लगा है, इट्स अ शो नेम प्रोजेक्ट एंजल्स। ये शो आने वाला है मास टीवी, एक्चुअली ये शो ऑनर हो चुका है, स्ट्रीमिंग हो रहा है मास टीवी पे एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और ये शो देखना है। ये शो अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं क्या ही मैं देखूंगा, बट एक्चुअली ये एक रियलिटी शो है और ये स्पेशल है। वो क्यों है मैं आपको बताती हूँ, ये स्पेशल है क्योंकि इस शो में हमारे साथ 9 ट्रांसजेंडर, रियल ट्रांसजेंडर वुमेन्स ने काम किया है
ये एक रियलिटी शो है, ये सिर्फ उनके लिए एक शो हम लोग ने बनाया है। तो आप जरूर ये शो देखना, आपको पता चलेगा उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में, और आपको एक्चुअली काफी कुछ मजा आने वाला है। तो आप कुछ बोलना चाहोगे, लाइक हमें कुछ गुड लक या गुड विश देना चाहोगे ये शो के लिए, हमारे लिए? एक्चुअली आप जो कर रहे हो उसके लिए बहुत डेयरिंग लगता है, एज इन स्ट्रीट पे खड़े रह के लोगों से बात करना, इवन आई हैव डन दैट बिफोर एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, सो ऑल द वेरी बेस्ट, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच सर, एंड आपको भी हैप्पी वेकेशन, एंड जरूर देखिए मास टीवी पे प्रोजेक्ट एंजल्स, एंड हाल कैसा है जनाब का। थैंक यू सो मच, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को या आपकी फैमिली में किसी को या फिर आपकी ट्रिप के लिए आप कुछ भी बोलना चाहते हो या कुछ मैसेज देना चाहते हो आप जरूर बोल सकते हो। स्टे पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक। That's great, यार एक्चुअली बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, आप लोग भी खुश रहिए, सर ने इतना प्यारा सा मैसेज दिया उसको हमेशा दिमाग में रखिए, और आसपास सबसे पूछते रहिए हाल कैसा है जनाब का। थैंक यू। हेलो एवरीवन, बैक अगेन। सो इतनी ब्यूटीफुल मैम है हमारे साथ, तो क्यों ना हम इनसे पूछे हाल कैसा है जनाब का। हेलो मैम। हेलो, हाल कैसा है जनाब का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो इसमें हम आएंगे, उससे पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। रेखा। रेखा, तो आप क्या करते हो मैम? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ। सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी मैम, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थैंक यू। तो आज आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर कुछ और प्लान है? नहीं, हम तो बाहर से आए घूमने, मुंबई। ओके, अच्छा आप मुंबई से नहीं हो? नहीं, सूरत से हूँ मैं। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको मुंबई में आके? हम कॉलेज की फ्रेंड गेट टुगेदर है एक फ्रेंड के घर पे, इसीलिए घूमने आए। मैम तो ऑन वेकेशन है और इतने प्रिटी लग रहे हो आप, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप जाओगे ना आपकी फ्रेंड के यहाँ पे, वो सबसे पहले बोलने वाली है रेखा यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो मैम मैं फिर से पूछना चाहूंगी हाल कैसा है जनाब का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस बढ़िया हाल का राज? इसका राज तो बहुत सीक्रेट है मैम। सीक्रेट जान सकती हूँ मैं अच्छे से? अभी गेट जो है 30 साल के बाद सब फ्रेंड मिल रहे हैं ना, इसका राज यही है। ग्रेट यार, वाओ, मतलब मुझे भी खुशी हो रही है ना सुन के, बहुत अच्छा लग रहा है कि 30 साल के बाद गेट टुगेदर, वो भी कॉलेज टाइम के टाइम। ओके, और अब सूरत से मुंबई आए हो, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ओके, तो मैम आपकी लाइफ का एक ऐसा हैप्पी मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते हो, इसको छोड़ के, बिकॉज मुझे पता है ये तो सबसे मेमोरेबल मोमेंट रहने ही वाला है आपकी लाइफ में, बट इसको छोड़ के कोई मोमेंट आपकी लाइफ का हैप्पी मेमोरेबल जो आप कभी नहीं भूल सकते? मैरिज हुई थी तब का, शादी। ओके, हम सर के बारे में भी पूछेंगे। ओके ओके, तो आपकी शादी कभी हुई थी मैम? 91 में। और सर कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं आपके? डॉक्टर, और एक हस्बैंड डॉक्टर है और एक लड़का है कैनेडा जॉब कर, इंजीनियर। तो आप कितना मिस करते हैं अपने सन को? ज्यादा। आप कुछ उसको बोलना चाहते हो? आप बोल सकते हो क्योंकि वो तो इंडिया ही है। हाँ, वर्क फ्रॉम होम ही है अभी तो। हाँ, इधर ही जाएगा, अभी भी जाएगा। फिर तो अच्छा है, फिर तो। आपके आपकी बेटी का नाम क्या है मैम? तुषार। एंड डॉक्टर सर का? सुभाष पटेल। तो आप यहाँ पे वैकेशन में आए हो, उनको मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे नहीं, अभी फ्रेंड के साथ में, उनको उधर ही रख के आई हूँ, फ्रेंड के साथ एंजॉय करना है अभी। ओह माय गॉड, हम ही कट कर देंगे, हम सर को नहीं बताएंगे कि आप उनको मिस नहीं कर रहे हो। ओके ठीक है ठीक है, आप मतलब हम बोल देंगे सर, और सर दोनों सर लोग मैम आपको मिस कर रही है, अंदर से मिस कर रही है, बाहर से दिखा नहीं रही है। ओके, तो एक हैप्पी मोमेंट तो आपने बताया, एक सैड मोमेंट आप बताएंगे कोई लाइफ का? एंड टचवुड की वो हो भी ना, आप ऐसे ही स्माइल करते हुए ना बहुत ही प्यारे लगते हो, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जाने से पहले फिर से एक बार पूछूंगी हाल कैसा है जनाब का? हाल कैसा है जनाब? वेरी वेल, वेरी वेल। लेकिन मैं जाने से पहले चाहूंगी कि आप एक मैसेज देके जाओ हमारी जनता को, या फिर तुषार सर को, या फिर सुभाष सर को, किसी को भी। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, कितने भी साल हो जाए फ्रेंडशिप कायम रखो, 30 साल के बाद कुछ सीखो मैम से, कुछ सीखो।
30 साल के बाद वो लोग एक फ्रेंड्स गेट टुगेदर में कॉलेज की फ्रेंड से मिलने आए हैं। दैट्स ग्रेट मैम, मैं तो विश करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, ऐसे गेट टुगेदर्स करते रहो, हमारे मुंबई आते रहो। और मुंबई मेरी जान, मुंबई मेरी जान, यस यस जी, मुंबई जय महाराष्ट्र। ग्रेट, ओके। तो जाने से पहले मैं पिछले कुछ वीडियोस में ना मेरे जो दर्शक है वो लोग को एक सरप्राइज दे रही हूँ। यहाँ पे पीछे एक बैनर लगा है, हमारा एक शो है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एंजल्स। ओके, तो ये शो है मास टीवी पे। जिन लोगों ने मुझे भेजा है सिर्फ आप लोगों का हाल जानने के लिए, पूछने के लिए कि आप सब कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में। तो हमारे इसी चैनल पे ये एक शो आया है प्रोजेक्ट एंजल्स, जो कि रिलीज हो गया है 20 दिसंबर को। और ये शो एक बहुत स्पेशल शो है बिकॉज ये एक रियलिटी शो हम लोग ने बनाया है जो पूरा प्रॉपर ट्रांसजेंडर्स के ऊपर है। तो आप जरूर ये शो देखिए और आपको एक्चुअली काफी कुछ जानने मिलेगा उनके बारे में, उनकी कम्युनिटी के बारे में, उनके लोगों के बारे में, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा देख के। तो ट्रांसजेंडर्स, आप क्या क्या लगता है आपको ये वर्ड सुन के कि ट्रांसजेंडर क्या है? उनको भी हक है मैम जीने। मैम ने एक बहुत ही प्यारी बात कही है कि उनको भी हक है जीने का, वो भी भगवान ने ही बनाए हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, और ये शो आप जरूर देखिए विद फैमिली। आप वेकेशन पे आए तो हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शो देखो, वो लोग ही बोलेंगे कि वाह रेखा, क्या चीज लाई, हमारा दिन बनाया। थैंक यू सो मच। प्यारा है, बहुत ही सुहाना है, बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मिले हैं जिनसे हम पूछ रहे हैं उनके दिलों के हाल। एक और एक सर मिले हैं, इनसे भी पूछ रहे हैं इनके दिल के हाल। हेलो सर। हाँ, कैसे हैं? हाल कैसा है जनाब? ठीक है सर। ठीक है, बस सिर्फ ठीक है या बहुत ठीक है? नहीं, थोड़ा दुखी है, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई की वजह से परेशान है बहुत। ओके, सबसे पहले मैं अपना नाम जानना चाहूंगी सर। तिलक कुमार नरसिंह और सिद्धागर। ओके, आप क्या करते हैं सर? मैं अभी एजेंट का काम करता हूं, इसके लिए एजेंट का काम करता हूँ। ओके, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि थोड़े से दुख है? क्या दुख है सर? अभी हर एक पे टैक्स, हर एक पे ये वो, बहुत परेशान है पब्लिक। माचिस पे टैक्स, दूध पे टैक्स, हर एक चीज पे टैक्स लगा है। हाँ, सब जगह महंगाई कर दिया है, महंगाई तो बहुत महंगाई है। पब्लिक को नौकरी नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है। हाँ, गरीब लोग मर रहे, खाने को नहीं है। कितना भाव हो गया, तेल का भाव बढ़ा दिया, चावल का भाव बढ़ा दिया, दूध का भाव बढ़ा दिया, आटे का भाव, घेहूँ का भाव, तेल का भाव, सब बढ़ा दिया है। पब्लिक परेशान है। अभी शाहरुख खान ने पिक्चर निकाला, उसका पिक्चर बंद करो बोल रहा है। हम तो बस अब ये विश कर सकते हैं कि सब चीजें थोड़ी थोड़ी करके जल्दी 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 से ठीक हो जाए, सब खुश हो जाए लाइफ में। सर, आपकी लाइफ का एक ऐसा हैप्पी मोमेंट जानना चाहती हूँ जो आप कभी नहीं भूल सकते, खुशी का जो आप कभी नहीं भूल सकते आपकी जिंदगी का। जिंदगी का मेरा बहुत दुखी था। मैं पहला बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया, 10 पैसे में बूट पॉलिश किया, 15 पैसे बूट पॉलिश किया, झाड़ू मारा। ऑफिस में स्टूडियो था, कला स्टूडियो, जितेंद्र आया था तभी मैं 12 साल का था। झाड़ू मार के तो पब्लिक जमा उसको आता है। हमारे स्टूडियो में जितेंद्र आया था, राजकुमार आया था, समझे, बहुत आए थे, सचिन आया था, हीरो मराठी। खूब मेहनत किया मैंने। आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था मैंने, सारा भानु का, दिलीप का हाथ से फोटो किया, बैराग पिक्चर का, जितेंद्र बबीता का हाथ से फोटो किया। फिर बाद में मैंने स्लाइड बनाया थिएटर का, कमी सुन, एक 3 लाख स्लाइड बनाया, बहुत मारची साड़ी, मुंबई सा फौजदार, हल्दी कुमकुम सब बनाया, और दीवार, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर सब स्लाइड बनाया। सर की तो किया, बहुत पोस्टर छापा, बहुत सारी मेमोरीज होंगी आपकी, तो आप मिस कर रहे हो वो टाइम को? हाँ, मिस करते, अभी वो काम आने वाला नहीं है। वो जमाना अलग था, अभी सब यंग लोग का जमाना है। अभी पिक्चर ने सब फ्लॉप हो गया, अक्षय कुमार भी खत्म हो गया, अभी अपने हीरो कोई नहीं चल रहे, सिर्फ साउथ से चल रहे हैं।
क्योंकि आप कौन सी कुछ नहीं कुछ निकाल। आप कौन सी पिक्चर देख रहे हो आजकल, साउथ की या फिर बॉलीवुड? मैं अभी पिक्चर देखना बंद किया, पहले देखता था दीवार जो पिक्चर आती थी, चोपड़ा बी आर चोपड़ा रायसी प्रोडक्शन की, वो पिक्चर देखता हूँ मैं। चोपड़ा बहुत अच्छी पिक्चर बनाता है, दिलवाली दुल्हनिया ले जाइए, फिर तो मैं रायसी प्रोडक्शन हम आपके कौन बनाया, समझे हम साथ साथ है, वो सब वो प्रोड्यूसर बहुत अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, चोपड़ा बी आर चोपड़ा बहुत अच्छा है। कुछ जमता नहीं बनाने, एक करण जो अच्छा पिक्चर बनाता है। ओके, सो मैं आपको एक और एक चीज बताना चाहूंगी कि अभी आपको कुछ भी जॉनर या कुछ भी चीजें पसंद नहीं आ रही, तो एक बहुत ही नई डायरेक्टर आई है इंडस्ट्री में जिनका नाम है मानसी भट्ट मैम। अच्छा। सो वो एक शो लेके आई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एंजल। अच्छा। जिसका यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है पीछे हमारे पास। तो ये जो शो है वो आने वाला है मास टीवी पे। ओके, ओके। और ये एक रियलिटी शो है, तो इसमें कैसा हम लोग सबसे स्पेशल ये शो है क्योंकि इसमें हम लोग के पास 10 ट्रांसजेंडर वुमेन्स है जिसमें से 9 कंटेस्टेंट है और एक जो है वो एंकर है। सो ये शो पूरा उनके ऊपर है, आप जरूर देखिए, आपको एक्चुअली बहुत पसंद आएगा। जैसे कि आपने कहा आजकल आपको कुछ भी चीजें पसंद नहीं आ रही है ना, तो जो कुछ चाहिए जैसा बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस में दम नहीं अभी, सब नए नए आए, पहले राखी सावना जब सुपर स्टार एक्टर कोई भी नहीं है, सब नए, उनको तो एक्टिंग आता नहीं है, वो बीच में वो था मराठी क्या नाम उसका, उसको निकाल दिया, वो पिक्चर में हीरो में काम करता था, वो अच्छा था, वो सलमान खान, अभी नए लोग को लेता नहीं है। तो अभी आप जरूर ये शो देखना, आपको कुछ अलग देखने मिलेगा और आपको बहुत खुशी होगी कि चलो फाइनली कुछ अलग कुछ नया। सबको बोल दूंगा देखो शो। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ बाकुला विस्तृत में, देवी बिटा थे हम लोग, बड़ा गरबा विवाह होता है नवरात्रि का, वहाँ को भी विवाह खुलना गरबा होता है, बड़ा लाठी बैंड बिंड सब होता है, बहुत अच्छा होगा ना, गणपति बजता हमारे यहाँ, गणपति और गरबे के टाइम पे हम, हाँ आज जो नवरात्रि को गुफा बनता है, देवी अंदर दीपक पानी भी नहीं, सब कभी वाकला में जरूर जरूर हम लोग नेक्स्ट टाइम नवरात्रि में आ रहे हैं। जाने से पहले फिर से आपसे एक बार पूछना चाहूंगी, हाल कैसा है जनाब का? हाल ठीक है, अपन बहुत दुखी है, मजा नहीं है पहले के मापे, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को काम धंधा नहीं है, महंगाई इतनी हो गई, 2 रुपए का पाव 4 रुपया हो गया है, 6 रुपया पैदा हो गया, क्या खाएंगे आदमी, सब महंगा कर दिया। हम तो विश करेंगे कि सर की सारी विशेष पूरी हो, सर बहुत जल्दी खुश हो। बहुत पब्लिक परेशान है, किसी को नौकरी नहीं है, आए बीकॉम पढ़ने वाला झाड़ू मार रहा है, जो अच्छा होटल में अच्छा कुक का काम करने उसको काम नहीं मिल रहा है, किसी को काम नहीं मिल रहा, इतनी महंगा हो गया, क्या करेगा पब्लिक परेशान है। मैं चाहूंगी जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज आप हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ देना चाहो ताकि वो पॉजिटिव रहे, लाइफ में खुश रहे। मैं तो बताऊँ सब सस्ता हो जाए, सबको नौकरी मिले, सबका काम धंधा अच्छा होगा, महंगाई कम हो जाए, सब पब्लिक खुशी होना चाहिए, सब चावल गेहूँ शक्कर सब कम होना चाहिए, सब होना चाहिए, सबको नौकरी मिलना चाहिए, सब अच्छा व्यवहार सब होना चाहिए, सब मिलके रहना चाहिए एकजुटता, ना मुसलमान नहीं होना चाहिए, ना हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होना चाहिए, ना गुजराती ना मराठी का झगड़ा नहीं होना, सब लोग सब मिलके रहें, सब एक होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, कैथलिक हो मराठी हो गुजराती हो कोई भी हो, सब बंगाली हो कोई भी, सब एक होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि अब आप खुश रहो, आगे आपकी जो भी मांगे हो विश हो वो पूरी हो, तो अच्छा चले, और आप ये शो जरूर देखो, मैं देखेगा बहुत, और सबको बताओ देखने के, सबको भेज देना, सबको बता देना, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और लोगों से पूछते रहिए हाल कैसा है जनाब का, थैंक यू सो मच। जब तक चलोगे ये रास्ते चलेंगे, जब रुकोगे रास्ते तब भी वही होंगे जहाँ थे, लेकिन कभी कभी महसूस होगा तुम्हें ये पूछ रहे हैं हाल कैसा है जनाब का, तो चलते रहो रास्ते पर मंजिल की तलाश में और जीते रहो जिंदगी, करते रहो एक सफर तय उस पल के इंतजार में जब कोई अपना कोई पराया कोई दीवाना कोई बेगाना पूछ न ले हाल कैसा है जनाब का।